नमस्कार विद्यार्थी, एनवी डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं प्रेमलता अपनी इस क्लास को निरंतर प्रयास से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे इस क्लास में जितने भी वीडियोस मैंने आज तक बनाए हैं, सभी को आप लोगों को देखते हुए उनका मूल्यांकन भी आपको करना है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ का मूल्यांकन अगर हम करते हुए पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, ये चीज़ों के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ को यहाँ पे पढ़ा जा रहा है कि जिस चीज़ में अच्छाई हो उसे हमें ऑब्जर्व करना है, जो बुराई की चीज़ें हमें ड्रॉ करना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, इसके माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है स्टूडेंट। तो हम अपने आप को जानने के लिए, मैं आपको बार बार एक बात बोलती हूँ कि स्वयं को स्वयं मोटिवेट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी और के मोटिवेट करने से शायद हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, लेकिन हम स्वयं जो कार्य करते हैं तो हम अपने आप को भलीभांति पहचान पाते हैं। हमारी कल की क्लास चल रही थी, अब तक तो हमने क्या पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि अपने आप को किन किन तरीकों से जाने। लेकिन अब हमारी दो तीन क्लासे हैं जो अभी वीडियो में पहले मैंने बताई हैं, कि पहली एक वीडियो है जिसमें आपका चिंतनशील अभ्यास बताया गया है कि चिंतनशील अभ्यास किस तरीके का होता है। अब हम सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसका स्टूडेंट्स, अपने आप का, स्वयं का सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए हम निरंतर क्लासों पे बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि मेरा ये जो कार्य है ये बहुत ही प्रभावी हो रहा है, क्योंकि आप सब लोगों के कमेंट जो होते हैं वो मुझे स्वयं मोटिवेट तो मैं होती ही हूँ, लेकिन मुझे और भी मोटिवेट करते हैं। आप इसी तरीके से मेरी इस क्लास को लेते रहिए, मेरे वीडियो पर आप लगातार बने रहिए, क्योंकि आज हम जो आत्म विकास है हमारा, उसके डेवलपमेंट के सुझाव आपको बताने वाली हूँ, किन किन चीज़ों से डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है, इस तरीके की बातें हम इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें हम सुनने और करने से, सुनने में और करने में भी बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि हम सुनते हैं तो हम वो कार्य सिर्फ कितनी देर करते हैं, जिस टाइम तक हम उस चीज़ को सुन रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो चीज़ें हमने सुनी है, हमारे श्रवण को से जो हमें अच्छा लगा है, सुनने में जो हमें अच्छा लगा है, उसको हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें, ऑब्जर्व करें उस चीज़ को। और उसको ज़िंदगी में अगर हम फॉलो करते हैं तो वाकई में हम अपने आप को एक नया मोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के जो सुझाव हैं, देखिए स्टूडेंट्स, आत्म विकास जो है ये एक दूसरे से प्रभावित होता है। ये क्या होता है कि हम किसी को देखते हुए डिसीजन लेते रहते हैं कि वो ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर से मैं कहूँगी, कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस होके भी, अरे ये क्या चीज है, ये तो बहुत छोटा कार्य है, मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन जब हम कार्य को करने बैठते हैं, तब उस कार्य को करने के बाद स्वयं ही उस कार्य का ऑब्जर्वेशन हम करें, कुछ गलत क्या है इसमें और अच्छा क्या है इसमें, इस तरीके का मूल्यांकन जब हम करेंगे तो वाकई में हम अपने आप का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की जो क्लास है मेरी, वो है आपके कि आत्म विकास के कौन कौन से आधार हैं जिनसे आत्म डेवलप होती है, और कौन कौन से सुझाव हैं जिनसे हम अपने आप को विकसित करने में बहुत ही अहम भूमिका प्राप्त कर सकते हैं, अहम भूमिका निभा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, व्यक्ति यदि स्वयं का धनात्मक रूप से विकास करता है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास यानी आत्मसम्मान तथा स्वयं के संदर्भ में मूल्यांकन करने की क्षमता बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना डेवलपमेंट धनात्मक रूप में करते हैं, डेवलपमेंट आपने ऋणात्मक रूप में किया, यानी कि धनात्मक को यहाँ
देखिए स्टूडेंट्स, फिर से मैं कह रही हूँ कि बच्चे सिर्फ मेरी क्लास ले रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि कुछ चीजें मुझसे सीखी हुई वो अपनी जिंदगी में उतारे, बाकी में एक बहुत अच्छे शिक्षक का रोल वो निभा पाएंगे, क्योंकि शिक्षक को ईमानदार होने के साथ साथ व्यावहारिक भी होना चाहिए। जो बनने वाले शिक्षाविद हैं उनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटियां होनी चाहिए जो एक स्टूडेंट देखना चाहता है। तो ये जो आत्मा विकास के जो आधार हैं वो दो तरीके से यहाँ बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पहला बताया है आत्मसम्मान। देखिए स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग भी मैं भी आत्मसम्मान का रोल था, और आत्म विकास में अपने आप की जो सेल्फ डेवलपमेंट है उसके अंदर भी आत्मसम्मान को सबसे पहले अब उसका डेवलपमेंट के आधार में पहली संज्ञा दी गई है, क्योंकि आत्मसम्मान ही है जो बार बार परेशान होता है, किन्हीं बातों से हर्ट होता है, किन्हीं अच्छी चीजों से उत्साहित होता है और बुरी चीजों से हतोत्साहित होता है। तो हमें बुरी चीजों से हतोत्साहित होना तो है, लेकिन उसको घर नहीं करने देना, यानी कि उस चीज को हमें पकड़ कर नहीं बैठना। वो हतोत्साहित वाली चीजें जो आत्मा को छूती है उसको सिर्फ हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आई है उसका चिंतन करना है और उसे ड्रॉप करना है। आत्मसम्मान एक अपने अंदर की बनाई हुई बहुत अच्छी इमेज होती है कि मेरी इमेज क्या है समाज में, परिवार में, विद्यालय में, कॉलेज में, जहां भी है वो एक अपनी इमेज चाहता है, यानी कि अपना आत्मसम्मान चाहता है। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो युग है वो इस तरीके का है कि आप अगर किसी का सम्मान करते हैं, आप यदि किसी का दूसरे का सम्मान करते हैं तो 100% आप उससे सम्मान चाहते भी हैं। लेकिन ये सोच लोगों की बन चुकी है, लेकिन हमें सोच अगर इसको नहीं बनाते हुए सिर्फ हम इसको सोच रहे थे कि मुझे आत्मसम्मान कैसे करवाना है, मुझे दूसरे का कैसे करना है, बस मुझे यही सोचना है, यही समझना है, हम क्या करते हैं, उम्मीदें करते हैं, हम किसी को एक चीज सम्मान के रूप में देते हैं और दो प्राप्त करने की सोचते हैं। लेकिन ऐसा जब हम करते हैं और वो चीज अगर हमें प्राप्त नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं, हम परेशान होते हैं, हमारा आत्मसम्मान है वो छीन होता है, यानी कि खत्म होने लगता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, आत्मसम्मान को स्वयं को जब हम जानते हैं तो हमें पहली बात तो करने को कहना चाहिए कि हमें किसी से उम्मीदें नहीं करनी। उम्मीद दुनिया की बहुत बुरी चीज है। उम्मीद अगर आप करोगे तो वाकई में आप अपने आप को परेशान पाओगे और दूसरों को भी आप परेशान भी समझोगे या पाओगे, ये आपकी सोच होगी। नेक्स्ट आ जाता है आत्म छवि। देखिए स्टूडेंट्स, आत्म छवि अपनी स्वयं की बनाई हुई एक छवि होती है और अपनी इमेज, एक तरह से इमेज ही होती है। आत्म सम्मान वो होता है, वही उसी से बनी हुई आत्म छवि होती है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, कोई इंसान आपकी आत्म छवि के लिए क्वेश्चन पुटअप करता है। मैंने किसी के लिए बोला कि लोग आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं, तो फिर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या सोचते हैं, मैं बुरा, मैं अच्छा हूं, मैं ईमानदार हूं, बहुत सुंदर हूं, बहुत स्मार्ट हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, क्या बनने लगे आपके अंदर, छवि बनने लगे। तो हमें, लेकिन इन छवियों को हमने विकृत कर दिया, हमें एक छवि बना के रखनी है कि दूसरे इंसान ने अगर मेरे लिए ये कहा है कि क्या कहा है, जो मैंने अभी बोला था कि आपके बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन आप अपनी छवि ऐसी बना के रखिए कि आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस हो कि सिर्फ मेरे बारे में लोग ऐसे कहते होंगे कि मैं बहुत ही अच्छा हूं। अच्छे में बहुत सारी चीजें आती हैं, अच्छे में ही सारी चीजें आ जाती हैं, व्यवहारिक हूं, ईमानदार हूं, स्मार्ट हूं, मानी बात मानने वाला हूं, बात सुनने वाला हूं, वगैरह वगैरह। सारी चीजें कहां से आ गई, कहां आई है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज को यहां डेवलप करना है कि बस लोग मेरे बारे में ये सोचते होंगे कि वो बहुत अच्छा है। लेकिन आपने कुछ अलग ही सोचा, कुछ गलत ही सोचा, तो आपका आत्मसम्मान वहां क्या है, हर्ट होगा। तो आत्मसम्मान और आत्म छवि जो है ये आपस में एक दूसरे से लिंक होती है। ऐसे ही ये चीजें होती हैं हमारे, ये
व्यक्ति को स्वयं के विकास के लिए अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए, अपने डेवलपमेंट के लिए अपनी जिम्मेदारियों को खुद स्वीकारना चाहिए, ना कि किसी दूसरे पे जिम्मेदारी डाल के आप अपना आत्मविकास कभी नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हम किसी भी अपनी ही जिम्मेदारी आप स्वयं नहीं ले सकते, आप किसी और पे डिपेंड होके अगर अपना विकास चाहते हैं तो वो आपका कभी नहीं हो सकता। तो हमें जिम्मेदारी स्वयं की स्वयं लेनी होगी। नेक्स्ट आता है, स्वयं की संतुष्टि के लिए अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। ये मुझे चीजें बहुत अच्छी लगती है, ये बात अभी भी बहुत अच्छी है कि अपनी संतुष्टि के लिए अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात बोलती हूँ कि जिस दिन आपके अंदर से आपसे कोई अच्छा कार्य हो जाता है, उस दिन देखना आपका आत्मसम्मान यानी कि आपकी आत्मा आपको ही मोटिवेट करती है। लेकिन हम सुनते कहाँ हैं आत्मा की, हमें सुनना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हम अच्छा कार्य करते हैं हम प्रफुल्लित रहते हैं, हम खुश रहते हैं। लेकिन हम जिस दिन किसी का बुरा कर देते हैं, कोई कार्य हमसे गलती से बुरा हो जाता है, किसी का गलत हो जाता है, तो हमारी ही आत्मा हमें अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। तो हमें स्वयं की संतुष्टि के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, जो कार्य स्वयं को करना है, जो कार्य स्वयं को करना है उसे भविष्य के लिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी हम जानते सोचते हुए भी उस चीज को कल के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन कल के लिए क्यों हम वो कार्य छोड़ें, पता नहीं कल कौन सी परिस्थितियों में वो कार्य हमसे हो पाए या ना हो पाए। तो क्यों ना हम कहते हैं ना, कबीर दास जी कहते हैं कि कल करे सो आज करे सो तब, फिर जो पढ़ले होगी बहुरी करे वो कम। यानी कि जब पढ़ले अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो फिर आप उस कार्य को कब करेंगे, कभी नहीं करेंगे। उस कार्य के लिए हमेशा के लिए हमें पछतावा रहेगा, वो पछतावा हमारे लिए ऐसा रहेगा कि काश मैं वो कार्य उस दिन कर लेता या उस समय कर लेता तो आज ये चीजें मेरे सामने मुझे फेस करने के लिए नहीं आती। नेक्स्ट आता है, अन्य लोगों के अनुभवों पर कार्य करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरों के अनुभवों को देखते हुए आप कभी कार्य करने की मत सोचिए, क्योंकि अनुभव भी खुद के ही होने चाहिए। अगर आप अपना आत्मविकास करना चाहते हो तो स्वयं के अनुभवों पर ही वो डेवलप होगा। क्योंकि अनुभव कहाँ से आएंगे, जब हम किसी कार्य को करेंगे उसमें सफलता असफलता का सामना करेंगे तो हमें अनुभव भी प्राप्त होंगे। अपने अनुभवों पर सेल्फ जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए आपका। नेक्स्ट आता है, चार पांच लोगों का समूह हो जिसमें खुलकर गैर आलोचनात्मक, मैडम ने क्या बात कही, गैर आलोचनात्मक। अगर चार पांच लोग मिलते हैं तो सबसे पहले तो आलोचनात्मक कार्य ही करना पड़ता है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें आलोचनाएं करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। आलोचनाएं दूसरों को की आत्मा को परेशान करती है और स्वयं को जहां है वहीं छोड़ देती है। इसीलिए चार पांच, ये कितनी अच्छी बात यहाँ सुझावों में बताई है कि चार पांच लोगों का समूह हो जिसमें खुलकर गैर आलोचनात्मक तरीके से कुछ विचारों पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अपने आप का डेवलपमेंट करने के लिए, अपने कार्य जो आप कर रहे हो उसको अच्छा रूप देने के लिए, उसमें क्या चीजें हैं, क्या विचार हैं, कौन से विचार किसके मैच खा रहे हैं, किन विचारों से किसने मुझे क्या सजेस्ट किया, किसने क्या सजेस्ट किया, फिर उन सभी विचारों का हम स्वयं बैठ कर मूल्यांकन करें, आपकी आत्मा क्या कहती है, उस कार्य को फिर हमें करना चाहिए। अपनी जो त्रुटियां हैं, अपने अंदर जो गलतियां हैं, उनका त्याग करना भी चाहिए। ऐसे इन इन तरीकों से, इन इन सुझावों से अपने आप का डेवलपमेंट करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार से अपने आप को जानना और समझना बहुत ही एक ऐसा विषय है, इसी तरीके से आत्मविकास को डेवलप करना भी बहुत ही जटिल कार्य है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों अगर व्यक्ति के लिए एक साथ मिलते हैं तो अच्छी पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। अच्छी पर्सनैलिटी कहते हैं कि जब व्यक्ति खुद अच्छा होगा तभी तो वो दूसरे को अच्छा बनेगा। जब हम स्वयं अच्छे होंगे तो 100% हम बनने वाले शिक्षा में रहे, तो 100% हम अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स तैयार करेंगे,
हमारी भारत माता के लिए। इसलिए हमें अच्छे कार्यों को करने के लिए कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। आज का सेल्फ जो डेवलपमेंट है वो मैं यही खत्म करते हुए मेरी वीडियो को बंद करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को आप इसी तरीके से देखते रहिए और कमेंट